Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Class 9 biology chapter number 4. Topic hai hamare paas passage of molecules into and out of cell. Theek hai? Topic ko sabse pehle samjhe ki passage of molecules into and out of the cell. Ke cell ke andar molecules kaise move karte hain ya molecules cell ke andar ya cell se bahar unki movement kaise hoti. इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं, उन मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. आज हम डिफिन और फैसिलिटेटेड डिफिन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने का क्या मतलब है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को पास करने की परमिशन देती है जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स को ये ब्लॉक कर देती है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से ये पास कर इंटर सेल के अंदर नहीं हो सकते. इसी एक प्रॉपर्टी की वजह से सेल मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है सेल के अंदर और सेल के बाहर. ठीक है, इक्विलिब्रियम जितने मॉलिक्यूल सेल के अंदर है उतने मॉलिक्यूल सेल के बाहर इक्वल कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना इसी प्रॉपर्टी की वजह से है. ठीक है, नेक्स्ट हम डिफिन देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू सेल के अंदर मूवमेंट हो सकती है. सबसे जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है डिफिन, उसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफिन. इसी तरह के और मेथड भी हैं. सबसे पहले डिफिन है, तो डिफिन क्या है? डिफिन जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को बोला जाता है. लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है ये हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है. ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट का क्या मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जहाँ पे वो एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा मात्रा में है ज्यादा कंसंट्रेशन में है वहां से उनकी मूवमेंट होती है लो कंसंट्रेशन की तरफ जहाँ पे उनकी तादाद कम है. ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स की जो डिफ्यूजन हो रही है जो मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की ये किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूल्स के साइज पे और मॉलिक्यूल के टाइप पे कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है अब सेल के अंदर इंटर करवाना है या फिर सेल से उसको बाहर भेजना है. ठीक है, अब इस प्रोसेस के दौरान सेल मेम्ब्रेन जो है कोई एनर्जी एक्सपेंड नहीं करती, उसको कोई एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए, बल्कि मॉलिक्यूल्स खुद बहुत मूव करते हैं. ठीक है, अब इसलिए कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही इसलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है. डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी है. पैसिव ट्रांसपोर्ट इसको क्यों बोला है? क्योंकि इसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही. ठीक है, जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी इस्तेमाल होगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि जिसमें एनर्जी इस्तेमाल ना हो वो कौन सी होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब इसमें सेल मेम्ब्रेन अगर एनर्जी को यूज नहीं कर रही तो फिर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कैसे मूव करते हैं? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी होती है मूवमेंट की वजह से, किसी भी चीज में जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है. तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूवमेंट हो रही होती है. इसमें जो हम एग्जाम्पल काउंट करते हैं, ह्यूमन बॉडी में हमारे आपको पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है. ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. एक ऑर्गन है जिसका नाम है इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन भी होती है. अब इंटेस्टाइन जो है जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के अंदर फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती हैं. ठीक है, छोटे छोटे उंगली की तरह के उबार होते हैं जिनको विलाई बोला जाता है. ठीक है, अब हम जब ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन का कंपैरिजन करते हैं इंटेस्टाइन और विलाई में तो हमारे पास इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विलाई. विलाई में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन क्या है? कम. ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन हो वहां से मॉलिक्यूल मूव करते हैं लो कंसेंट्रेशन की तरफ. ग्लूकोज में चूंकि कंसेंट्रेशन ज्यादा है ग्लूकोज की इंटेस्टाइन में, इसलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो मूव करेंगे इंटेस्टाइन से किसकी तरफ? विलाई की तरफ. ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है ये एक डिफिन प्रोसेस के थ्रू डिफिन के मेथड के अकॉर्डिंग हो रही है. ठीक है, ये है हमारे पास डिफिन कि डिफिन का प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है. उसके बाद है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफिन. फैसिलिटेटेड डिफिन हमारे पास मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को ही बोला जाता है, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो किसकी हेल्प से होती है? प्रोटीन्स की हेल्प से. ठीक है,
मॉलिक्यूल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज असिस्टेड बाय प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं ठीक है, जो कि इस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कैरी आउट करवाती हैं, तो इस टाइप को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ठीक है। वो प्रोटीन जो कि इस ट्रांसपोर्ट को करवा रही हैं ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को मूव करवा रही हैं, उनको बोला जाता है कैरियर प्रोटीन या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ठीक है। इस प्रोसेस में भी कोई एनर्जी एक्सपेंड नहीं हो रही, इसलिए ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इसको क्यों बोला है, क्योंकि इसमें भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही। जैसा कि आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, हमने पीछे सेल मेम्ब्रेन की ऐसी डायग्राम देखी थी कि लिपिड्स की बाई लेयर होती है, डबल लेयर है लिपिड की, दरमियान में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड है ठीक है। तो अब डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब हम देखते हैं, ये देखें आपको ये डिफ्यूजन मेथड है ठीक है। इसमें देखें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गोल कलर गोल जो है आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं ब्लू शक्ल में ब्लू कलर में, तो ये आपको देखें यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन के बाहर कम है। तो क्या होगा कि मोर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, जैसा कि हमने डिफ्यूजन में पढ़ा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखें स्टार शेप में मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करेंगे इन प्रोटीन के थ्रू। ये जो प्रोटीन आपको नजर आ रही हैं ये हैं कैरियर प्रोटीन्स ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन इन मॉलिक्यूल्स को असिस्ट करेंगी और मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर से बाहर मूव करेंगे, ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू अल्लाह।